है टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टोयोटा सेडान इंडिया में। जी हाँ, टोयोटा कैमरी हाइब्रिड का प्राइस इज नियर 50 लाख ऑन रोड। ये गाड़ी महीने में लगभग 300 यूनिट बिकती है। ये एक हाइब्रिड सेडान है, तो इस वीडियो में हम बताते हैं हाउ इट इज टू लिव विद। मैंने इस गाड़ी को चलाया लगभग 2 महीने, तो इस वीडियो में बताते हैं व्हाट्स द फ्यूल एफिशिएंसी एंड व्हाई यू शुड कंसीडर कैमरी हाइब्रिड। पहली बात ये है कैमरी हाइब्रिड फेसलिफ्ट वर्जन, और इस सेगमेंट में नॉर्मली और कोई राइवल्स ही नहीं है इस गाड़ी के। ऑल द राइवल्स हैव बीन डिसकंटिन्यूड बट कैमरी हाइब्रिड स्टिल सोल्जर्स ऑन। तो ये एक बड़ी लग्जरी सेडान है। 2022 में इसका फेसलिफ्ट किया गया था। एज यू कैन सी द फ्रंट एंड वॉज चेंज्ड एंड यू गेट दिस ब्लू आउटलाइन। इसका मतलब है कि ये एक हाइब्रिड है। द फ्रंट एंड हैज अ वेरी अग्रेसिव लुक। ये है सेडान का फ्रंट एंड। काफ़ी लंबी गाड़ी है, इस 4.8 meters, काफ़ी बड़ी गाड़ी, हैज दैट प्रेजेंस बट इट्स वेरी सटल ऑल्सो। काफ़ी लंबी है, एज यू कैन सी हाइब्रिड बैज एंड द न्यू अलॉय व्हील्स, और एक टिपिकल सेडान शेप है बट लुक्स क्वाइट एलिगेंट एंड बिग, तो हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। तो ये पहले जब लॉन्च हुई थी इंडिया में, इट वॉज अवेलेबल विद अ नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, बट अगेन अब सिर्फ हाइब्रिड में अवेलेबल है। अगर मैं हाइब्रिड पावर ट्रेन के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे आपको लगभग 218 HP मिलता है कंबाइंड 2.5 लीटर पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। अगर आपको चलाना पसंद है, दिस माइट नॉट बी द बेस्ट कार बट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड अ वेरी नाइस लग्जरी कार टू क्रूज अराउंड इन। लो स्पीड में आप मोस्टली ईवी मोड में चलाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू गेट एक्सेलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। कितना फ्यूल एफिशिएंसी? वेल, यू गेट नियर 17 km/L। जी हाँ, 17 km/L इन सच ए बिग कार। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स में मिलता है बट इको मोड में चलाएंगे तो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा। स्पोर्ट मोड में थोड़ा आवाज़ करेगा बिकॉज ऑफ द ECVT, बट अगेन इट्स बेस्ट यूज़ फॉर कंफर्ट। आराम से चलाओ एंड यू विल गेट द बेस्ट एफिशिएंसी एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव फॉर एवरी डे यूज़। तो ये है कैमरी हाइब्रिड का इंटीरियर। इट्स अ वेरी लग्जूरियस प्लेस टू बी, बट आजकल जो लेटेस्ट कार्स में जो चीज़ें आ रहे हैं इसमें वो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस डिजिटल पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आजकल कॉम्पैक्ट SUVs में पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। प्लस द नेविगेशन का जो लेआउट है, द मेन्यूज, इट्स वेरी ओल्ड स्कूल। हाउएवर, यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलता है। यू गेट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, दैट दिस वुड फिनिश इज क्वाइट नाइसली डन। ग्रॉस ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है। दिस फिनिश इज क्वाइट नाइस। टिपिकल लग्जरी कार आपको एक इंटीरियर मिलता है। अगर मैं इंटीरियर के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊँ, यहाँ पे आपको मिलता है ऑल द ड्राइव मोड्स। EV मोड है विच गोज अप टू सम किलोमीटर्स, और ये है कूल्ड सीट्स विच इज़ अ नाइस टच समर्स एंड विंटर्स में यू डोंट गेट हीटेड सीट्स, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ मिस। आजकल काफ़ी कार्स में हीटेड सीट्स भी आ रहा है। अगर मैं बताऊँ फीचर्स के बारे में, यू गेट 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब है कि रियर सीट में भी यू गेट अ सेपरेट जोन एंड यू गेट अ होल लॉट ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग क्रूज कंट्रोल, अ वेरी नाइस साउंडिंग 9-speaker JBL ऑडियो सिस्टम यहाँ पे मिलता है, 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। रियर कैमरा आपको दिखा दूँ, ओके, नॉट द मोस्ट शार्पेस्ट बट अगेन इट वर्क्स। गाड़ी काफ़ी लंबी है तो आपको एक अच्छा बड़ा डिस्प्ले मिलता है। टस्किन का साइज भी बड़ा है, तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स बट सम ऑफ द फीचर्स दैट स्टैंड्स आउट हैज़ टू बी द 3-zone क्लाइमेट कंट्रोल, द कूल्ड सीट्स एंड दीज वेरी कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल डुअल पावर्ड सीट्स। तो ये है इंटीरियर डिज़ाइन। फिट एंड फिनिश इज ऑल्सो क्वाइट नाइस एज वेल। इट फील्स वेरी लग्जूरियस बट इन अ सटल वे। ये रियर सीट रिव्यू कैमरी हाइब्रिड का। सीट बहुत इट्स बीन पुश्ड द फादेस्ट एंड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लेग रूम। मेरी हाइट इज 6 foot, एज यू कैन सी देयर इज प्लेंटी ऑफ लेग रूम है। इट्स अ ह्यूज कैबिन, वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी। थोड़ा सेंट्रल टनल है बट इट्स स्टिल वेरी वाइड, काफ़ी बड़ी गाड़ी है तो स्पेस काफ़ी अच्छा है। यू सिट वेरी नाइस, यू गेट अ गुड व्यू आउट, और इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे आपको सेपरेट कंट्रोल्स भी मिलता है। जी हाँ, एज यू कैन सी दीज आर सेपरेट टच कंट्रोल्स फॉर द रियर सीट एज वेल। तो मोस्टली इस सेगमेंट में सब यही बैठेंगे, शॉफर ड्रिवन होंगे एंड फॉर दैट दिस कंट्रोल्स आर क्वाइट नाइस। यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यू हैव योर ओन सेपरेट टेम्परेचर, सन ब्लाइंड्स भी है, और यहाँ पे एक सनरूफ भी आपको मिलता है। तो यस, यू गेट अ होल लॉट ऑफ features for the rear seat and the rear seat is very comfortable place to be. Plus you can even electrically recline the rear seats. So rear seat ke liye bani hai gaadi and it is definitely a very comfortable place to be.
तो ओवरऑल हमारा वर्डिक्ट 2 महीने चलाने के बाद ये है कि अगर आपको कंफर्ट चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। इस प्राइस ब्रैकेट में 50 लाख के नीचे इट इज द मोस्ट कंफर्टेबल कार, स्पेस अच्छा है एंड यू गेट गुड फ्यूल एफिशिएंसी। यस, इट्स वेरी ओल्ड स्कूल वे ऑफ लुकिंग एट लग्जरी कार, बट ये अभी भी कुछ यूनिट्स बिकता है, 300 यूनिट्स पर मंथ इट सेल्स एंड दैट शोज दैट देयर इज डिमांड फॉर अ लग्जरी कार। प्लस सबसे बड़ा यूएसपी है द हाइब्रिड पावर ट्रेन। तो यस, कैमरी हाइब्रिड मे लैक्स ऑफ द लेटेस्ट टेक फीचर्स बट इट हैज कंफर्ट, फ्यूल एफिशिएंसी जो छोटी गाड़ी में आपको नहीं मिलता। यस, तो इट्स ओवरऑल अ वेरी वेल पैकेज्ड लग्जरी कार।